सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। और आज की वीडियो तो बहुत ही मजे की होने वाली है, क्योंकि इसलिए कि मेरे घर में एक आया है न्यू फैमिली मेंबर, जिसको आज मैं आपसे मिलाऊंगी। बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे, तो बस उनकी जिद थी कि नहीं, बस कोई छोटा और घर में होना चाहिए जिसके साथ हम खेलें। पहले तो मैं काफी अरसे से बस अवॉइड कर रही थी कि नहीं नहीं भाई, कोई और घर में छोटा नहीं आएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को बड़ा किया है, तो अब और नहीं आएगा। लेकिन फिर आखिरकार ना मुझे थोड़ा सा हार मानना पड़ी उनके सामने। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा ना उलझन होती थी कि नहीं भाई, अब मैं किसी और छोटे बच्चे की इतनी केयर नहीं कर सकती। लेकिन आखिरकार जब से वो आई है ना हमारे घर, आप यकीन करें कि रातों को भी उठ के देख रहे हैं, सुबह भी उठ के देख रही हूँ, बस इतनी जल्दी उसने अपने हमारे साथ ना अपना प्यार डाल लिया ना, तो अब तो हमें एक मिनट के लिए भी नहीं लगता कि हम उसके बगैर रह सकते हैं। तो ये क्या था, अभी अभी नहीं दिखाना था प्रिंसेस को, तो आज मैंने आपको मिलाना है अपनी प्रिंसेस से, जिसको मैंने आखिरकार अडॉप्ट कर ही लिया। बच्चे कब से कह रहे थे ले आए प्रिंसेस को, ले आए प्रिंसेस को, लेकिन हम मैंने कहा अभी नहीं। लेकिन आखिरकार बच्चों की क्या कहूँ, बच्चों की है आगे ना। ये है हमारी प्रिंसेस, बेला। प्रिंसेस बेला। प्रिंसेस से हेलो, 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 हाय, आई एम प्रिंसेस बेला, हेलो। वो देखो बेला। बेला हर एक की घर में इतनी फेवरेट हो गई है, इतनी फेवरेट हो गई। हमारे पास आए हुए बेला को कितने दिन हो गए हैं, 3-4 days, 3-4 days की। और ये 3-4 दिनों में इसने अपने आप को हमारा, हम सब का इतना आदी कर लिया हुआ है कि हम इसके बगैर अब एक मिनट नहीं रह सकते। बेला बेला इधर देखो। बेला जो है वो है एक पर्शियन कैट, और ये मिला है हसन को गिफ्ट। और पहले आप देख कर आए गिफ्ट की वीडियो। हसन को गिफ्ट किया है उसकी आपी ने, और हसन आपी को थैंक यू बोलो, बेला को पकड़ के आपी को थैंक यू बोलो। थैंक यू। कुछ को आपी को क्या, आपी आपने मुझे इतना प्यारा, अरे ना प्यारी कहती है जो मेरे मेरे हाथ ही लिखती रहती है। तो अच्छी बात है ना। चले अब हम आपको दिखाते हैं बेला का हाउस, जिसमें वैसे वो रहती कम है, लेकिन रहती है लेकिन कम रहती है। आज हम आपको ना सारी इसकी वीडियो दिखाएंगे और इसकी चीजें दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, और इसकी शरारतें दिखाएंगे जो ये शरारतें सारा दिन करती रहती है। शुरू में तो 2 दिन, जब जिस दिन ये हमारे घर आई थी ना, वो रात, तो ये मैंने तकरीबन रात को ही हमारे पास आई थी। आप यकीन करें इतना इसने हमें उस दिन तंग किया था ना, क्योंकि ना इसको हमारी आदत थी और हमें भी इसकी कोई आदत फिलहाल नहीं थी, तो ये सारी रात नहीं सोई हमारे पास। कौ बेला, ये है जी हमारी प्रिंसेस की ट्रे। इसमें प्रिंसेस का है शैम्पू, ड्राई शैम्पू, क्योंकि अभी इसको हम नहला नहीं रहे, तो इसलिए इसके लिए हमने लिया ड्राई शैम्पू, ताकि इसको, ये व्हाइट कलर की है तो ये सारा अपना आप बहुत जल्दी गंदा करती है, तो हम इसको स्प्रे करके, बेला किधर जा रही हैं आप, स्प्रे कर लेते हैं, और जिससे इसको ये अच्छी तरह साफ हो जाती है, और फिर मैं जो टॉवल है ना उससे मैं इसको अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है स्प्रे की। बेला प्रिंसेस चॉकलेट।
इसकी आईज वगैरह भी गंदी हो जाती हैं, वो यहाँ पे जैसे ब्लैक ब्लैक होता है ना, उससे आ जाता है, तो वो हम लोग उसके कॉटन बर्ड से साफ करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई छोटा सा बच्चा आपके पास है ना घर में और आप हर वक्त के लिए मसरूफ है, इसी तरह इसकी सफाई और नलाना धुलाना खिलाना फुल डे काम है इसका। ये नहीं कि आप थोड़ी देर आप इसको जी आपने बस ले आए घर में और आप इसको इग्नोर कर दो, नहीं। और आपको इतनी मोहब्बत हो जाती है ना इनसे, हमें तो बहुत हो गई भी है। और फिलहाल वैसे ना अभी इसका मैं ब्रश नहीं लेकर आई, अभी हम इसका ब्रश फिलहाल यही है पड़ा हुआ है। बेला कितनी मजे से बैठी हुई है अपने साफ सुथराई करा रही है। वैसे है बहुत सफाई पसंद, बल्कि इतनी सफाई पसंद है कि अब बताए इसको कल थोड़ी सी मार भी पिटी थी हेमन से। बता दे हेमन क्यों पिटी थी, तू खुद ही बता दो क्यों पिटी थी। इसने मेरे ऊपर पी कर दी थी। पी क्या कर दी थी, पीछी कर दी थी क्योंकि इसको आजकल हम ट्रेनिंग दे रहे तो, लेकिन इसने ना इसको आई हुई थी लेकिन हसन ने और एमन इसकी जान नहीं छोड़ रहे थे कि इसको उतरने नहीं दे रहे थे, तो इसने फिर एमन के ऊपर कर दी तो फिर एमन ने इसको लगाई तो फिर ये है कि उसके बाद ये वैसे इतनी हो गई थी कि ये डर गई कि ये जाकर उसके बाद से अपने पोर्ट पोर्ट में ही जाके बैठ रही थी। के बाल और अब इसके ऊपर हम और इसको प्यारा खुशबूदार करने के लिए बेबी क्या कर रहा है थोड़ा सा इसको पाउडर लगा देंगे। क्योंकि ये जो इनका पाउडर और ये जो इनका शैम्पू है ना, ये है जी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, और जिसकी वजह से ये जो इस फर है ना वो शाइनिंग करती है और इनको जर्म्स वगैरह भी नहीं लगते। और इस वक्त इस हमारी प्रिंसेस इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, खुशबू आ रही है। और ये अब मेरे बच्चे कहते हैं पापा आप क्यों बांधते, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं पता है इसलिए बांधती हूँ कि ये सोफों के नीचे कहीं भी घुस जाती है ना तो ये पता नहीं चलता, ये बेल की वजह से चल रही होती है ना तो आवाज आ जाती है, हमें आवाज आती है कि ये कहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ पे इसको हम पैर पहना रहे हैं, थोड़ा लूज बांधती हूँ प्रिंसेस। इतने प्यार तो अम्मा की गोदी में बैठी हुई ना, वरना हम जब पहना रहे होते हैं तो मम्मा लूज लूज है बाजू है भी मुझे लग रहा है नींद आ रही है इसीलिए इतने रात बैठी, क्योंकि जब हम बेल पहना रहे होते ना बस 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 मैं कह रही थी ना इसके अंदर जिन आते हैं, इसको इसके अंदर जिन आते हैं रात को 12 बजे, फुल एनर्जी इसके अंदर आई होती है, कह रही थी बस खेलो मेरे साथ। और रात के बाद उधर होता है ये कि इनके पापा को नींद आई होती है और इसको होता है कि जी अब मेरे साथ जो है ना सब खेले, और उन्होंने जब ऑफिस से आ जाना ना उनके पीछे 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 इसने फिरते रहना, उनके जूते के अंदर इसने घुसने, पापा के जूते तो फेवरेट है बेला के। चलो अभी अभी थोड़ी देर तक पहन लेते हैं, चल हो गया पहन लिया नहीं बन बस बच 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 चलो जी तैयार होगी बेला, चलो इसको इसके घर में बिठाओ। Oh,
उम्मीद है कि आपको मेरी प्रिंसेस बेला बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप से गुजारिश है कि आप सबसे पहले प्रिंसेस को देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहेगा, और उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक करेगा, फिर उसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी नहीं सब्सक्राइब किया हुआ और वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और उसके बाद शेयर भी करें और